मूली हेल्थ के हिसाब से तो बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन घर में कुछ लोग खाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल पसंद ही नहीं करते। तो ये सब्ज़ी खाने में तो अच्छी है ही, बनाना भी आसान है और ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं लगेंगे। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम ग्रेवी के लिए टमाटर प्याज को गला लेंगे। तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 2 प्याज है, आधा इंच के करीब अदरक है और लहसुन है। तो आप चाहें तो बिना प्याज के भी ये ग्रेवी बना सकते हैं, अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो। और जब हम इनको गलाएंगे तो कुछ मसाले भी डालेंगे। और मसालों में सबसे पहले तो आधा इंच के करीब दालचीनी ले लेंगे और 2 लौंग मैंने डाली है। इसके साथ ही 1 छोटा चम्मच खड़ी धनिया का लिया है और 1 बड़ी इलायची है। इसके साथ ही इसमें हम आधा चम्मच के करीब जीरा डालेंगे और 1 तेज़पत्ता डालेंगे। लहसुन आज मैंने हरा वाला यूज़ किया है, तो अगर हरा लहसुन ना हो तो सूखा वाला लहसुन भी हम डाल सकते हैं। और इनको अब हम धीमे आंच पे गलाएंगे। गैस का फ्लेम धीमा रखें, फिर भी अगर लग रहा हो तो थोड़ा सा पानी डाल दें और ढक दें। जब तक टमाटर प्याज गल रहे हैं हम मूली घस लेते हैं। मूली को छील लेंगे और मूली मैंने छोटी वाली यूज़ की है, साथ में कच्ची हल्दी भी आजकल मार्केट में बहुत अच्छी आ रही है तो कच्ची हल्दी भी मैंने डाली थी। अगर कच्ची हल्दी ना हो तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नॉर्मल हल्दी डाल के भी कोफ्ते बना सकते हैं। और हल्दी हमें ज़रूर शामिल करनी चाहिए, बहुत हेल्थ बेनिफिट होता है इसका। और मूली को अब हम घसेंगे, अगर मोटा साइड वाला ग्रेटर हो तो उस साइड से ही घसें। और हल्दी को भी हम घस लेते हैं साथ में। मूली घसने के बाद इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में पानी होता है, तो हल्के से बस पानी को हमें निचोड़ लेना है। और अगर हम ऐसे बिना निचोड़े ही डालेंगे तो कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, बहुत पतले पतले हो जाएंगे। और जो पानी गाढ़ने के बाद निकलेगा वो पानी हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम चाहे तो ग्रेवी में यूज़ कर लें या तो आटा जब लगाएंगे उसमें काम आ जाएगा। टमाटर प्याज चेक करते हैं, और टमाटर प्याज अब अच्छे से गल गया है तो इसको बंद कर देते हैं गैस को और ठंडा होने देते हैं। मूली में अब हम कुछ सामान डालेंगे, तो सबसे पहले तो धनिया और नींबू डालते हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पड़ेगा, केवल जीरा, लाल मिर्ची और बेसन है बाइंडिंग के लिए। बेसन मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम ही लिया था। और मैं क्या करती हूँ कि मूली को 3 हिस्से में डिवाइड करके 1 हिस्सा बेसन का ले लेती हूँ, तो इससे मेज़रमेंट सही रहता है। और हल्का सा नमक डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। मूली में काफ़ी मॉइस्चर होता है और जब नमक डालेंगे तो वो थोड़ा पानी फिर से छोड़ेगा, तो इसको मिक्स करके रखेंगे नहीं, हम तुरंत ही फिर इसके कोफ्ते बना लेंगे। साइज़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जैसे भी चाहें वैसे रख सकते हैं। मैंने छोटे छोटे ही कोफ्ते बनाए हैं। और दूसरे साइड में ऑयल गर्म हो रहा है, तो बस अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। गर्म ऑयल में हम फ्राई करेंगे लेकिन गैस का फ्लेम धीमा ही रखेंगे, तो अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे। और ऊपर से जब ये गुलाब जामुन की तरह से थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे तो इनको हम निकाल लेते हैं। और टमाटर प्याज ठंडे हो जाएंगे तो उनको पीस लेंगे। ये एक बैच फ्राई हो गया है, इसी तरह से हम और भी कोफ्तों को फ्राई कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए अब एक तड़का लगाएंगे, तो मैंने रिफाइंड में ही कसूरी मेथी और जीरा का तड़का दिया है। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा अरोमा आ जाता है ग्रेवी में, तो कसूरी मेथी ज़रूर डालें। और थोड़ी सी हल्दी डालें, टमाटर प्याज जो हमने पीस के रखा था उसको ऐड कर देंगे। और जब टमाटर को मैंने पीसा था उस टाइम में उसमें से तेज़पत्ते को हटा दिया था और बड़ी इलायची को छील लिए थे। तो अब मसाले इसमें तो पहले से ही हैं, तो बस थोड़ा सा धनिया का पाउडर और लाल मिर्ची डालते हैं। हमारा मसाला ज़्यादा कुछ इसमें नहीं डालना है। नमक बहुत ध्यान से डालें क्योंकि कोफ्ते में ऑलरेडी नमक पड़ा हुआ है। और इनको अब हम भून लेते हैं। थोड़ा सा ग्रेवी को और क्रीमी बनाने के लिए मैंने घर की फ्रेश मलाई डाली है, और ये मलाई की जगह आप दही भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी उस टाइम हो, दोनों ही चीज़ अच्छी जाती है ग्रेवी में। और इसको उबलने देते हैं। अब जब भुन जाएगी ग्रेवी तब हम इसमें पानी डाल देंगे।
और मिक्सी जार में काफ़ी मसाला लगा हुआ था तो मैंने उसमें ही पानी डाल के उसको डाल दिया है। और जब ग्रेवी हमारी उबलने लगेगी तो हम कोफ्तों को ऐड करेंगे। और आज मैंने इसको जीरा राइस के साथ सर्व किया था। जीरा राइस और मूली के कोफ्ते का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। आप इसको रोटी, पराठे, नॉन किसी के साथ भी खाएंगे, बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी। आप एक बार सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा और उसके बाद अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में कमेंट भी करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही आसान और टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।